दोस्तों, एक हॉस्पिटल में एक बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत 26 साल की एमबीबीएस डॉक्टर मरीजों को देख रही थी। काफी मरीजों को देखने के बाद जब उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है तो उन्हें चाय की तलब लग जाती है, और वहां पर पास में लगी सर्वेंट वाली घंटी जो होती है उसको दबाती है, और उसके पास एक 25 साल का हैंडसम और स्मार्ट युवक कोट पैंट पहने हुए उसके चैम्बर में प्रवेश करता है, जिसको देखने के बाद वह कहती है कि अभी आप बाहर चाहिए, 5 मिनट के बाद हम मरीजों को देखेंगे। तो वह कहता है कि मैं मरीज नहीं हूँ, आपको दिखाने मैं नहीं आया हूँ, आपने अभी जो घंटी बजाई है मैं उसी के लिए आया हूँ। अब दोस्तों, मैडम उसे देखकर हैरान रह जाती है। कोट पैंट पहने हुए स्मार्ट सा युवक देखने से नहीं लग रहा था कि यह चाय पिलाने वाला है। तो वह मैडम कहती है कि चाय पानी पिलाने वाले आप ही हो? तो वह कहता है कि जी मैम, मैं ही हूँ, मैं ही पिलाता हूँ। तो मैडम कहती है अच्छा चलो चाय लेकर आओ। दोस्तों, उसके बाद वह चाय लेकर आता है और जो मैडम होती है चाय को पी लेती है। अगले दिन फिर वह जब आती है तो वही शख्स उस मैडम के चैम्बर में सफाई करता है। सफाई करने के बाद उनके चेयर के बगल में निगाहें नीचे करके सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहिबा से कहता है कि मैडम आपको कुछ चाहिए? दोस्तों, जिस तमीज से, जिस तहजीब से सफाई कर्मचारी डॉक्टर साहिबा से बात कर रहा था, उनसे पेश आ रहा था, जितनी मेहनत और लगन से वह काम कर रहा था, उससे डॉक्टर साहिबा उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती हैं। एक दिन वो उसे अपने कमरे में बुलाती हैं, और उसके बाद दोस्तों वह होता है जिसको सुनने के लिए आप भी सोचेंगे कि क्या बात है। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला लगता है ओका। ओका जिला का एक तहसील लगता है दीपालपुर। दोस्तों, यह उसी तहसील की कहानी है। नाम होता है क्रिश्वर साहिबा। क्रिश्वर जो एक बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत होती है। 26 साल की उम्र में एमबीबीएस करने के बाद ओका जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को देखने लगती है। अभी उनको आए हुए 2-4 दिन ही हुए थे। एक दिन वह काफी मरीजों को देखने के बाद जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो सर्वेंट वाली बैल बजाती है। उन्हें चाय की तलब लग जाती है। जो अंदर से जो युवक आता है उसका नाम शहजाद होता है। काफी अच्छा खासा बेहतरीन सा परफ्यूम लगाए हुए, सूट बूट पहने हुए शहजाद को देखने के बाद किशोर साहिबा सोचती है कि लगता है कि कोई वीआईपी मरीज है। उससे कहती है कि प्लीज़ आप 5 मिनट के लिए बाहर चले जाइए, अभी 5 मिनट के बाद आइएगा तो मैं फिर आपको देखूंगी। दोस्तों, शहजाद कहता है कि मैम, मैं कोई मरीज नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका मुलाजिम हूँ जिसके लिए आपने बैल बजाई है, आपको क्या चाहिए? अब मैडम हैरान रह जाती है, उसको ऊपर से नीचे तक देखती है। 25 साल का एक बहुत ही स्मार्ट सा युवक लगता ही नहीं था कि यह चाय पिलाने वाला है। उसे हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे चाय पीनी है, आप चाय लेकर आओ। दोस्तों, वो जो लड़का होता है वह चाय लेकर आता है, और पहली ही नज़र में जब डॉक्टर साहिबा उसको देखती है, जो किशोर साहिबा होती है, कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद जब अगले दिन डॉक्टर साहिबा आती हैं तो अपने कमरे में जाती हैं तो देखती है कि बहुत ही मेहनत लगन से शहजाद उस कमरे के कोने कोने की सफाई कर रहा था, वह साफ सफाई कर रहा था। मैडम जो होती है अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हैं, अपना पर्चा वगैरह देखती हैं, और उसके बाद मरीजों की लिस्ट देखती हैं कि कितने मरीजों ने उनके आने से पहले अपना नाम लिखवा चुके हैं जिनको ओपीडी में उनको देखना था। उसके बाद जब साफ सफाई करने के बाद शहजाद होता है हाथ नीचे करके, निगाहें नीचे करके किशोर साहिबा के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैडम आपको कुछ चाहिए? तो वह कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बाहर जाइए, जब मुझे किसी चीज़ की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। दोस्तों, शहजाद की ड्यूटी जो होती है 3 डॉक्टरों के लिए होती है। तीनों कमरों की वह साफ सफाई करता था, तीनों डॉक्टरों को चाय पानी वगैरह देता था। जिस भी रूम से घंटी बजती थी उसे पता चल जाता था कि किस रूम से घंटी बजाई गई है। तो वह देखता है अक्सर जो किशोर साहिबा होती हैं वही बैल बजाती थी। दिन भर में वह 10 से 15 बार उसके कमरे में आया जाया करता था। डॉक्टर किशोर साहिबा जो होती हैं उधर कुछ ना कुछ काम दे दिया करती थी, कुछ ना कुछ उसे हुक्म फरमाती रहती थी। शहजाद को यह सब काम सामान्य सा लग रहा था। वो अपनी मेहनत और लगन से काम करता था, हमेशा निगाहें नीचे करके काफ़ी शराफत से डॉक्टर किशोर साहिबा को कभी कभी मैम कहता, कभी मैडम कहता, कभी डॉक्टर साहिबा कहता, इस तरीके से उनको बुलाता रहता था। दोस्तों, 15 दिन हुए थे, 1 महीना हुआ था। डॉक्टर किशोर साहिबा देखते हैं कि शहजाद जो है वह हमेशा सूट बूट में ही रहता है, हमेशा ही परफ्यूम वगैरह लगाया रहता था, और ऐसा भी नहीं था कि काम करने में कोई संकोच करता हो। चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा लगाना हो, चाहे चाय पानी देना हो, कोई भी काम करना हो, एकदम से बिना संकोच किए, बिना किसी भेदभाव के पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत और पूरी लगन से अपना यह काम करता था। और यह जो बात होती है किशोर साहिबा को काफ़ी पसंद आती है, वह उसे मन ही मन में प्यार करने लगती है।
दोस्तों से बुलाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, उसका हालचाल पूछती है, उसके घर परिवार वालों की बातें करने की कोशिश करती है। लेकिन जो शहजाद होता है वो उस हॉस्पिटल में काफ़ी दिन से काम कर रहा था। किसी भी डॉक्टर ने उससे इस तरीके से बात नहीं की थी, और कोई डॉक्टर आमतौर किसी मामूली आदमी कर्मचारी से इस तरीके की बात भी नहीं करता है। तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि किशोर साहिबा मुझसे इस तरीके से बात करती हैं। फिर वह सोचता है कि चलो इनका बड़ा दिल होगा, क्या पता इनका बैकग्राउंड जो है हमारी जैसी फैमिली से बिलोंग करता हो, इसलिए इनके मन में भी कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन दोस्तों शहजाद को क्या पता कि मैडम के दिल में क्या चल रहा है। मैडम जो है वाकई में बहुत ही हसीन थी, बहुत ही खूबसूरत थी। वो मैडम जो होती है इतनी खूबसूरत होती है कि उनसे पहली ही नज़र में किसी को भी प्यार हो जाए। लेकिन जो शहजाद होता है उसको अपनी हैसियत पता थी, अपना काम उसको पता था, इसलिए वह जिस लेवल पर रहता था उसी लेवल के हिसाब से मैडम जी से पेश आता था। दोस्तों 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन शहजाद कुर्सी पर बैठा हुआ था गेट पर, तभी जो मैडम होती है डॉक्टर साहिबा वहाँ पहुँच जाती है, और डॉक्टर किशोर साहिबा उसे अपने चैम्बर में बुलाती है और कहती है कि शहजाद अपना नंबर मुझे दे दो, क्योंकि जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हैं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अब जो शहजाद होता है यह समझ कर नंबर दे देता है कि चलो अच्छा हुआ, अगर मुझे भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे परिवार में किसी को दवाई कराने की ज़रूरत हुई और कभी मुझे अगर फ्री में किसी चीज़ की दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो मैडम से मैं इजीली हेल्प ले सकता हूँ। खुशी खुशी वह अपना नंबर मैडम को दे देता है। लेकिन दोस्तों जो शहजाद था ना सिर्फ कपड़ा पहनने में ही अच्छा था, बल्कि उसकी आदतें भी कुछ ऐसी थी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। जो शहजाद होता है वह व्हाट्सएप पर जब वह अपना स्टेटस लगाया करता था तो वह जो मैडम होती है उसका स्टेटस देखती है, जब वह उसका स्टेटस देखती है तो वह कुछ ना कुछ उस पर कॉमेंट भी कर दिया करती थी, और कमेंट भी ऐसा करती थी कि आपका स्टेटस बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अब दोस्तों जो शहजाद होता है वह सोच में पड़ जाता है कि यार चलो मेरे स्टेटस को तो उन्होंने लाइक कर दिया, लेकिन मुझे क्यों लाइक कर रही हैं, मेरे में ऐसे क्या खास बात है। वह तो एक डॉक्टर है लेकिन दोस्तों फिर भी वह समझ नहीं पाता है। आप सोच ही सकते हैं कि एक कहाँ एक सफाई कर्मचारी और कहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी इतनी हसीन इतनी खूबसूरत। तो इसलिए वह सोचता है कि चलो हो सकता है मैडम का दिल बहुत बड़ा हो। अब दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, अब जो स्टेटस लगाता था मैडम भी सेम उसी तरह के स्टेटस लगाने लगती है, और जब वह अगले दिन जब आता है तो उसको देखकर वह मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं आपके स्टेटस पर कमेंट करती हूँ लेकिन आप मेरे स्टेटस पर कमेंट नहीं करते हैं। अब जो शहजाद होता है वह कहता है कि मैडम जी मैं आपके स्टेटस पर कमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो मैडम कहती है कोई बात नहीं, तुम बहुत भोले हो, नहीं समझोगे। अब दोस्तों कुछ दिन और बीत जाता है, जो डॉक्टर साहिबा होती है वह शहजाद को कॉल करने लगती है, उसको फ़ोन करने लगती है। लेकिन शहजाद जो होता है उसी तरीके से बात करता है कि हाँ मैडम जी, जी मैडम जी, आप दोस्त। अब दोस्तों जो डॉक्टर किशोर साहिबा होती है उनको लगता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, बंदा बहुत शर्मिला है। तो दोस्तों फिर वह आगे बढ़कर कुछ और करने का फैसला करती है। एक दिन जो मैडम होती है उसे अपने कमरे में बुलाती है, जिस कमरे में वह छुट्टी के बाद मरीजों को देखने के बाद वह रेस्ट करने के लिए जाती थी, वहीं पर उसको बुलाती है। अब जो शहजाद होता है वह सोचने लगता है कि यार मैडम ने मुझे कमरे में क्यों बुलाया है। वह सोचता है कि मेरा काम चाय देने का है, झाड़ू पोछा करने का है, जो कि मैं कर देता हूँ, मेरा बस इतना ही काम है। और ओपीडी में जहाँ पर वो बैठती हैं बस वहीं तक ही उनकी जो है जो भी जरूरतें हैं उसको देखना, लेकिन अब उन्होंने मुझे कमरे में क्यों बुलाया है। बहुत सोच में पड़ जाता है। फिर वह कहता है कि चलो देखते हैं, हमारी मैडम है, क्या पता उन्हें कोई इसी चीज़ की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों जब वह कमरे में जाता है तो देखता है जो डॉक्टर साहिबा किशोर साहिबा होती हैं उन्होंने अपना कोट उतार रखा था और बेहतरीन किस्म का सूट उन्होंने पहन रखा था, जो अच्छे से सज संवर कर बैठी हुई थी। शहजाद अंदर जाता है और बोलता है कि मैं तो वह बोलता है कि जी मैडम साहिबा आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो डॉक्टर किशोर साहिबा होती है वह उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शहजाद कहता है कि जी मैडम फरमाइए क्या बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 6 महीने से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, मैं तुम्हें जो लाइक कर रही हूँ, तुम्हें पसंद कर रही हूँ, तुमसे प्यार कर रही हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जो हो बात को समझते ही नहीं हो, दूर दूर भागने की कोशिश करते हो, क्या बात है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अब दोस्तों जब यह बात शहजाद सुनता है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है कि वह कोई जैसे कोई वह सपना देख रहा हो, और वह कहता है कि मैडम आप कैसी बात कर रही हैं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप मजाक तो नहीं कर रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा जो होती हैं वह कहती है कि मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल हकीकत कह रही हूँ। अब दोस्तों शहजाद सोच में पड़ जाता है, कुछ बोलता नहीं है। मैडम फिर उससे कहती है कि क्या बात है, कुछ बोल नहीं रहे हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है 6 महीने हो गए हैं, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। अब वह शहजाद जो होता है फिर से कुछ बोलता नहीं है। तब
वह कहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आप मुझे सोच कर बताओ। और वह कहती है कि यह ध्यान रखना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब दोस्तों, मैडम की बात सुनने के बाद शहजाद जो होता है वह अपने घर जाता है और 2 दिन वह ड्यूटी पर नहीं जाता है। मैडम सोचने लगती है कि क्या बात होगी, वह ड्यूटी पर क्यों नहीं आया है। तो तीसरे दिन मैडम जो होती है उसको कॉल करती है, कहती है कि क्या बात है, आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वह कहता है कि मैडम जी, मुझे बुखार हो गया है। जब मैडम कहती है कि तुम्हें बुखार हो गया है तो हम यहाँ पर किस लिए हैं, हम इलाज करने के लिए तो बैठे हैं, आप हॉस्पिटल में आ जाइए फटाफट। दोस्तों, चौथे दिन वह हॉस्पिटल में आ जाता है, मैडम के चैम्बर में जाता है। मैडम कहती है कि क्या बात है, कैसा बुखार हो गया, कैसी तबीयत खराब हो गई। तो शहजाद कहता है कि जो मैडम जी आपकी जो बातें थी उन्हीं बातों का मुझ पर बुखार चढ़ गया था। अब मैडम जो होती है वह हंसने लगती हैं, और तो वह कहती है कि तो फिर आपका तो इलाज किया जाना चाहिए। तो वह कहता है कि मैडम जी, इलाज करने की जरूरत नहीं है। मैडम बोलती है कि जो मैंने आपसे जो बातें कही थी उसके बारे में आपने क्या सोचा। शहजाद होता है वह मैडम जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। दोस्तों, दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से एंगेजमेंट कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद, क्योंकि जो शहजाद होता है वह उसी होटल में साफ सफाई का काम कर रहा था और जो मैडम होती है उसी हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर होती है, एक बहुत मशहूर डॉक्टर होती है, तो लोग कहीं ना कहीं उनको चिढ़ाने लगते हैं, शहजाद को भी चिढ़ाते हैं। और इसी बात से तंग आकर वह दोनों हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं और लड़के वगैरह रख लेते हैं, और भगवान की दुआ से उनका जो मेडिकल स्टोर होता है वह अच्छा खासा चलने लगता है। 2022 का वाक्य है। इसके बाद अब शहजाद और जो डॉक्टर किशोर साहिबा होती हैं अपना एक क्लिनिक खोलने की सोच रहे होते हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर साहिबा किशोर से पूछा गया कि एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके सपनों का कोई राजकुमार मिले और उसे एक, और आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो, ऊपर से एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, आप मशहूर जानी मानी डॉक्टर हो, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं थी किसी मेजर से या किसी कर्नल से या किसी बिजनेसमैन से आपकी शादी हो। डॉक्टर किशोर साहिबा होती है, कहती हैं कि कामयाबी तो मुझे मिल ही चुकी थी, अब मुझे एक ऐसा पति चाहिए था जो मुझे प्यार करे, ना कि ऐसा पति कि जो सिर्फ पैसे वाला हो। जितनी खूबसूरत वह डॉक्टर साहिबा होती है उतनी खूबसूरत उनकी सोच भी होती है। 2022 में दोनों की शादी हुई और एक आज पाकिस्तान में यह दोनों मियाँ बीबी एक बहुत शानदार जिंदगी, बहुत खुशहाल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब मुझे इस कहानी के बारे में पता लगा, मुझे तो बहुत पसंद आई, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को सुनाना चाहिए। दोस्तों, यही है कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।